9 सितंबर 2012 को कुछ लड़कों ने, गांव के कुछ लड़कों ने मेरे साथ गैंग रेप किया था। उसके 9 दिन बाद मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद मैंने मतलब हिम्मत नहीं आ रही और हर चीज़ से मैं लड़ी हूँ। उसके बाद आरोपियों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद कोर्ट में जो है केस चला, उनमें से 12 में से 4 को, 8 को अरेस्ट किया गया था, 8 में से 4 को जो है लाइफ लॉन्ग और 4 को बेल मिल गई थी। उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में अपील डाली हुई है और अभी केस चल रहा है मेरा। मैं अपने जैसी बहुत सारी लड़कियों की हेल्प करती हूँ और काफ़ी लड़कियां हैं जो मतलब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है हादसे को भुला के, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी पहल की है इसको कम करने में, किसी के हादसे को भुलाने में। लेकिन अभी जो सलमान खान जी का बयान आया था तो उसको लेके काफ़ी लड़कियों को और मुझे भी काफ़ी आहत हुआ है, तो इसलिए मैंने उनको नोटिस भेजा है। ये फिल्म अभिनेता जो सलमान खान है, इन्होंने इनकी एक नई फिल्म आने वाली है सुल्तान, उसकी प्रमोशन के दौरान मीडिया को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने जो दुष्कर्म पीड़ित हैं उनके बारे में एक बड़ी आपत्तिजनक और अपमानजनक स्टेटमेंट दी थी। तो हिसार की एक रेप विक्टिम है, दुष्कर्म पीड़ित लड़की है, उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उसने मुझसे संपर्क किया और उसने सलमान खान को एक नोटिस भेजा है मेरे मार्फत कि सलमान खान ने जो ये दुष्कर्म पीड़ितों के बारे में, महिलाओं के बारे में जो एक बयान दिया है मीडिया में इंटरव्यू में, उससे उसको बड़ा मानसिक रूप से सदमा पहुंचा है और बड़ा ही दुष्कर्म पीड़ितों के लिए ये एक अपमानजनक बयान है सलमान खान का। तो हमने सलमान खान को इस बारे में आज एक लीगल नोटिस भेजा है और उनसे जो दुष्कर्म पीड़िता है ना, उससे उसने 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी है। और जैसे ही सलमान खान का इस नोटिस के बारे में कोई रिप्लाई आता है तो उसके बाद ही इसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे।